क्या बोलते रहे, लेकिन हम तो इन बातों को नोटिस लेते नहीं हैं। एक्सप्लेन तो खुद किसी को करना है। जो बात हुई कि वोट नहीं दिए, तो जो वोट नहीं दिया उसी को एक्सप्लेन करना है। वोट तो देना चाहिए, आखिर कंपेन किस चीज़ के लिए होता है? सबसे पहली बात कहते हैं कि भाई वोट दीजिए, सब लोग अपने मतदान का प्रयोग करें, मतदान करें, और उसके बाद आप कहते हैं कि इस आधार पर आप मेरा समर्थन। तो बुनियादी चीज़ पर मतदान करने का, तो मतदान तो सबको करना ही चाहिए। अब जैसे हम लगातार बोलते रहे, पहले मतदान तब चल पाए, तो हम तो अपना वोट करने गए सवेरे ही 7 बजे ही, कि पहले मतदान करेंगे तब कुछ खाएंगे, तो एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के साथ क्या समस्या आई, आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने वोट नहीं दिया? हम लोगों ने तो शुरू से कर दिया, और ये भी तो संविधान की मर्यादा नहीं है। संविधान की मर्यादा तभी है कि जब आप वोटर हैं तो आपको वोट करना चाहिए, और वोट नहीं कर सके हैं तो एक्सप्लेन करना चाहिए, और ऐसी कोई स्थिति भी होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ विजिबल हो कि भाई कोई चाह भी रहा है और नहीं कर सका, तो एक अलग बात है। खैर चलिए, यह तो एक इंडिविजुअल मामला है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसके बारे में जो बातें कही गई उसका कोई मतलब नहीं था, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं था, यूँ ही तथ्यहीन बातें कही गई चुनाव के दौरान। तो खैर, अब तो चुनाव का अभियान समाप्त हो गया, अब जनता मालिक है। 23 तारीख का इंतजार करना चाहिए, और जो 23 तारीख के नतीजे हैं उसके मुताबिक आगे देखना चाहिए। हर किसी को जब चुनाव परिणाम आ जाएगा तो उसके बाद अपना इंटरनल एनालिसिस करना चाहिए, और पूरे तौर पर अध्ययन करना चाहिए, क्या समाज में कट्टरता पैदा करनी चाहिए, किस तरह की बात बोलनी चाहिए। हो सकता है जिनको भविष्य में कुछ करने की इच्छा हो उनको ऐसे चीज़ों से कुछ सबक सीखना चाहिए। सर, एनडीए का प्रदर्शन अगर बहुत बेहतर रहता है तो क्या समय पर ही बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उससे पहले भी कराएंगे? विधानसभा के चुनाव से इसका क्या मतलब है? बिहार विधानसभा का चुनाव तो जो उसका समय है उस समय पर ही होगा। मंत्रिपरिषद में शामिल होगी जेडीयू इस बार, पता है सरकार बनती है केंद्र में, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर घटक दल तो शामिल होते ही है। आप 2009 में भी विशेष राज्य का दर्जा मांगे, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया गया कि आपने 2 महीने तक चुप रहे, अब आके सवाल। देखिए, हमने कुछ नहीं कहा, आप लोगों ने प्रस्ताव, हमने तो कुछ अपनी तरफ से कहा नहीं है। हम मतदान करके निकल रहे थे तो आप लोगों ने, ये पत्रकार बंधुओं ने जो पूछा उसका हमने उत्तर दिया है। मैंने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट तो दिया नहीं, तो आप पूछिएगा आपका क्या रुख है तो हम बताएंगे। और यह बात तो सही है कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग सर्वसम्मति से बिहार विधान परिषद से किया गया, और हम लोगों की जिम्मेवारी इस बात को परसू करते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किया, और प्रधानमंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनको सुपुर्द किया गया और सारी बात हुई। तो एक एक बात को लेकर चलते रहे वो हमेशा, और मैंने पिछली बार भी कहा, जो एक बात कही गई केंद्र के द्वारा कि 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के एक सेंटेंस को आधार बनाकर ये बात कही गई केंद्र के द्वारा कि कोई विशेष राज्य के दर्जा की बात नहीं हो सकती है, जिसके बारे में पहले से कमिटमेंट है। अब वैसी स्थिति में 15th फाइनेंस कमीशन के सामने भी हम लोगों ने बहुत ही तर्क संगत ढंग से और पूरी मजबूती से अपनी बात रखी, और अभी वोट देने के लिए भी आए हुए थे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन साहब एनके सिंह साहब, तो वोट देने के बाद वो ऐसे ही मिले थे एक व्यक्तिगत संबंध के कारण, तो हमने उस दिन भी याद दिला दिया। तो देखिए, ऐसी बात लोगों की राय बहुत स्पष्ट है, बिहार जैसे राज्य को ये दर्जा मिलना चाहिए, और हम लोगों ने आज तक कभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। आंध्र और उड़ीसा को भी मिलना चाहिए, क्या आप कोई फ्रंट बनाएंगे जिसमें सभी इन तीनों राज्यों को मिल जाए? करने की बात है अगर कहीं का कमिटमेंट हो। और दूसरा पहलू है कि बिहार जैसे राज्य, और इसके लिए हम लोगों ने कितने तर्क दिए और तथ्य रखे, उसको देखिएगा, तो बिहार जैसे राज्य को मिलना चाहिए। उड़ीसा की मांग है तो उड़ीसा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनकी मांग है, इसलिए वो अपनी बात है। हम तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में से रखते हैं, ये शुरू से ही हम लोगों का, ये 2006 से निरंतर हम लोग इस बात के लिए लगे हैं, और अपना
तर्क देते रहेंगे, इसके लिए प्रयत्न करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।